आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी यादव का मंच पर आगमन हो गया है। राम आत्मा है, राम आधार है, राम विचार है, राम विधान है, राम चेतना है, राम चिंतन है, राम प्रतिष्ठा है, राम प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति है, राम नेति है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम विमोह है, राम भारत की चेतना है और 500 साल पुराने भव्य दिव्य मंदिर को पूर्ण संपूर्ण प्रतिष्ठा से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल निर्देशन में भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा से प्रसन्न चित्त होकर हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह यादव जी द्वारा पहले शिवपुरी में, फिर अशोकनगर में और आज गुना में ये भव्य दिव्य भजन संध्या का कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है। बड़ा ही गौरव का विषय है इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में श्रद्धेय अजय भाई जी, हमारे माननीय सांसद जी, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन करें इस यात्रा का जो पूरे भारत में होकर आज आपके गुना क्षेत्र में पहुंची है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि करके आज ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच में संत बैठे हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। भगवान राम के मंच पर संत विराजमान है। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जितने भाई बैठे हैं कृपया यही स्थान ले लें।
500 सालों के बाद आज ये दिन आया है। माननीय सांसद महोदय, हम सब सबके लाडले, एक घटना मुझे याद आ रही है कि बमोरी क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय का दौरा था। दूर दराज गांव में दो सज्जन खड़े हुए थे, लंबा काफिला था। जैसे ही सांसद महोदय की उन पर नजर पड़ी, अपनी गाड़ी रोकी और उनके चरण छूकर आशीर्वाद दिया। ऐसे एक विनम्र भाव के प्रतीक आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी यादव हमारे बीच हैं और आप सबने उन्हें अपने आशीष से अभिसिंचित किया है, आशीर्वाद दिया है। ऐसे लोकप्रिय सांसद सभी वाद्य यंत्रों पर विराजमान हमारे जो बंधु हैं, आदरणीय राणा जी से अनुरोध है कि वे महाराज श्री को माल्य अर्पण कर अपने की कृपा करें। हमारे वीर युवा तरुणाई के प्रति भाई विश्वनाथ सिंह जी सिकरवार जो युवा तरुणाई के प्रतीक हैं, भाई राजन जी सलूजा और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। भारत माता की वंदे। अच्छा, कौन है गोलू भैया? ये देंगे इंटरव्यू? हाँ देंगे ना, लेकिन इंटरव्यू मैं भी दूंगा बबलू घटी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। और कहाँ से हैं? कोरा से भाई साहब, आपका फॉलोवर हूँ। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। 3 महीने से आपको फॉलो कर। ओह डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी यादव ने माँ भगवती स्वरूप जो हमारी नवरात्रा चल रही है उसमें कन्या पूजन किया है और माँ दुर्गा के अवतार का पूजन अर्चन माननीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी इस अवसर पर संत चरण में उपस्थित हैं। मेरा लोकप्रिय सांसद जी से विनम्र अनुरोध है कि वे
इस अवसर पर संत चरण का भी पूजन अर्चन करने की कृपा करें। इस अवसर पर मेरा आप सभी से अनुरोध है कि राम आ गए हैं तो हमें जहां जिसको जो स्थान मिल रहा है कृपया आनंद स्वरूप होकर भक्ति भाव से कृपया बैठने की कृपा करें। ये गुनाह है, ये गुनाह में कोई ऐसा काम नहीं होता जब भक्त चरण और संत चरण मंच पर हो। आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी यादव सांसद महोदय से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आदरणीय गुरुदेव संत चरण श्रद्धे अजय भाई जी का तो देख लीजिए दोस्तों, आज आपको ये लक्ष्मीगंज का दृश्य दिखाता हुआ और यहाँ लाने का कारण है यहाँ पर आदरणीय सांसद जी का आगमन होने वाला है। एक सुंदर भजन संध्या का यहाँ आयोजन किया गया है और आप देख लीजिए यहाँ लक्ष्मीगंज का ये दृश्य दिखाता हुआ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम सभी के लिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख लीजिए आज लक्ष्मीगंज का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आदरणीय सांसद जी का आगमन होना है और यहाँ सुंदर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम जय श्री राम। बोलिए जय जय श्री राम। आवाज बहुत ही कम आ रही है, आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं तो आवाज भी उतनी ही आनी चाहिए, बाहर तक आवाज जानी चाहिए वहां दूर तक। तो बोलेंगे जय जय श्री राम। यादव जी का स्वागत होता हुआ
बहुत ज्यादा मैं गर्व महसूस कराता है। ये देख लीजिए आदरणीय हमारे सांसद साहब, इनका बहुत ज्यादा स्वागत करते होंगे। हटाइए मत, हटाइए मत। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफिला जाता हुआ, ये केपी यादव जी का आज गुणागमन हो रहा है। और आप देख लीजिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग उतरे हुए हैं मैदान में। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तादाद में जगह जगह उनका स्वागत होता हुआ। ये हमारे क्षेत्र के सांसद साहब पर जाते हैं केपी यादव जी। केपी भैया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे यूट्यूबर साहब केपी भैया जिंदाबाद, केपी भैया जिंदाबाद, केपी भैया जिंदाबाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा जाम लगता हुआ। ये देखिए आदरणीय धनपाल यादव जी यहाँ पर भव्य स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा शानदार रहा है, जेसीबी से हमने कार्यक्रम किया था और बाबू और दिव्य बनाने के लिए आज गुना में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जो शायद ही पहले के सांसद लोगों ने किया हो। ऐसा हमारे केपी यादव जी द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है और आगे भी केपी भैया जिंदाबाद। देख लीजिए सर की तरफ से लिट्टी पीने का मौका मिल रहा है। की थोड़ा इधर आइए इस साइड आइए तो मेरे के लिए। देख लीजिए लिट्टी पीने का मौका मिल रहा है। एक यूट्यूबर बनने के बाद बहुत ज्यादा लोग सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। ऐसे लोगों को देखकर आने वाले टाइम का मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। क्या कहेंगे फेमस हूँ मैं पूरे गुना शहर के अंदर। अच्छा अच्छा आने वाले टाइम में लोग मुझे भी सेलिब्रिटी मानेंगे। बिल्कुल माने। मैं भी आया करूँगा तो लोग नाश्ता दिया करेंगे। बस आपको मत भूल जा रहा है। अच्छा 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 बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे गुना लोकप्रिय सांसद
आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी यादव का मंच पर आगमन हो गया है। राम आस्था है, राम आधार है, राम विचार है, राम विधान है, राम चेतना है, राम चिंतन है, राम प्रतिष्ठा है, राम प्रताप है, राम प्रभाव है, राम प्रभाव है, राम नीति है, राम नेति है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम विमोह है, राम भारत की चेतना है और 500 साल पुराने भव्य दिव्य मंदिर को पूर्ण संपूर्ण प्रतिष्ठा है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल निर्देशन में भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई। उस प्राण प्रतिष्ठा से प्रसन्न चित्त होकर हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह यादव जी द्वारा पहले शिवपुरी में, फिर अशोकनगर में और आज गुना में ये भव्य दिव्य भजन संध्या का कार्यक्रम आज यहाँ पर होने जा रहा है। बड़ा ही गौरव का विषय है इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में और देख सकते हैं यहाँ पर ये लक्ष्मीगंज का आपको दृश्य दिखाता हुआ और यहाँ पर एक सुंदर भजन संध्या का आयोजन किया गया है और केपी यादव जी सांसद हमारे गुना जिले के क्षेत्र के यहाँ पर आने वाले हैं। एक सुंदर कार्यक्रम ये लक्ष्मीगंज में चलता हुआ आज आपको एक पूरी वीडियो दूंगा। वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को। ओके, धन्यवाद।